गुड मॉर्निंग ऑन डे 3 ऑफ मुंबई टू लद्दाख सीरीज, ये एपिसोड 3 है हमारा। ये रहे जय भाई, गुड मॉर्निंग। सो भाई लोग, अभी तक की राइड अपनी बहुत अच्छी चल रही है। अभी हम लोग है रूपनगर राजस्थान में, यहीं कहीं आसपास एरिया का नाम है। भाई बस वाला तो एकदम जहर चला रहा है, अला इतना स्पीड में। बकरिया 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 क्रॉस कर रही थी भाई साहब। अभी इतनी मजा आ रही है ना बाइक चलाने के लिए, बाइक की स्पीड 90-100 है। चलो फोटो खींचने के चक्कर में गाड़ी रेत में डाल दिए। विनय बोलता है सामने से गुब्बारा आ रहा है। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अमृतसर, आज हमको पहुंचना है कुछ भी करके। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होगे, बढ़िया ही रहना। तो अभी फिलहाल अपडेट ये है कि हमारी बाइक्स खड़ी यहाँ पर, यहाँ पर हमारा लगेज है, हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है, नाश्ता करेंगे और फिर फटाफट लगेज अपना लगा करके निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज भी सोचा था जल्दी निकलने का। और टाइम क्या हो रहा है अभी? 7:30 के ऊपर ही हो गया, हम लोगों ने 7 बजे निकलने का सोचा था। अभी भी अगर देखेंगे ना तो निकलते निकलते 7:39 हो रहा है अभी फिलहाल, 8:30 मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी की चेन क्लीन और लूप भी कर दूँ, क्योंकि यार 2 दिन से चला रहे हैं, 1000 किलोमीटर तो ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बार सोच रहा था थोड़ा क्लीनर मार के लूप मार देंगे तो थोड़ा अच्छी गाड़ी चलेगी। बाय द वे नाश्ते का ऑर्डर दे दिया, तब तक देखते ये सारी चीज़ें निपटा देते। मस्त अपना पोहा आ गया, यहाँ पे पब्लिक खा रही है, ये देखो फुल एकदम मज़ेदार, एक नंबर पोहा वोहा खाते। अभी चेन क्लीन कर लिए, लूप करेंगे, फिर बाइक ले करके छू हो जाएंगे। छू ऐसा छू। चलो भाई, गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति इधर पे ही रहती है भाई। इधर पे ही ज़्यादा संभाल के चलाना रहती मैं। ओके तुम लोग आगे निकले क्या? तो भाई लोग अपना आज का राइड शुरू हो गया है। टोटल आज का 650 किलोमीटर बता रहा है। कल हम लोग ने 150 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया, कल हम लोग ने खींचा था 410 किलोमीटर और आज ऑलमोस्ट डबल है। तो अभी आज खींचना पड़ेगा। आज का बाय द वे डेस्टिनेशन है हमारा गोल्डन टेंपल, तो आपको हम गोल्डन टेंपल के भी दर्शन करवाएंगे। आज होगा कल होगा पता नहीं है, आज होगा कल होगा पता नहीं है, लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन से हम लोग अच्छा खासा आराम ले रहे, तो आज प्रॉबेबली हो जाएगा। 85 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है इसके ऊपर ही, यही रोड के ऊपर। अभी फ़िलहाल जो रास्ता है, आधे रास्ते का जो ये है ना, अभी फ़िलहाल सीकर सलासार होकर के जाना है। सलासार तो कुछ 150 किलोमीटर है, और यही जो हाईवे है ना, यही हमें मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर मैक्सिमम ऐसे 2 लेन हाईवे पे ही क्रूज़ करना है। ए मैं ओवरटेक मार रहा हूँ, मैं आ जाओगे आ जाओगे आ जाओ आ जाओ। बकरिया 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 क्रॉस कर रही थी। अरे आ जा रहे भाई, जा रहे। स्विफ्ट वाले को इतना कौन सा हाया भूसा का इंजन लगाया, अरे हॉर्न पे हॉर्न दे रहे भाई साहब। अभी इतनी मजा आ रही है ना बाइक चलाने के लिए, बाइक की स्पीड 90-100 है, एकदम स्ट्रेट रास्ता है। विनय आगे है, मैं बीच में था, अभी पीछे हो गया था गोप्रो चालू करने के चक्कर में। भाई साहब एकदम मज़ेदार, मैं तो बोलता हूँ पूरा रास्ता ऐसा ही रहेगा ना तो अच्छा मज़ा आएगा, लेकिन आगे और अच्छा रास्ता मिलेगा। जो नेशनल हाईवे है ये, अभी फ़िलहाल स्टेट हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं, जो हमें और भी आगे 30 किलोमीटर तक चलाना है। भाई तो मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है भाइयों, अभी जैसे नॉर्मली अपन ये अपना जो ब्लैक वाइजर रहता है ना, ब्लैक वाइजर हर एक के हेलमेट में रहता है, ब्लैक वाइजर सब लगाते, तो ब्लैक वाइजर लगाने के बाद जब आप उसको निकालते हो ना धूप में टाइम, ठीक है, डबल वाइजर आते हैं आजकल तो एग्जॉर वगैरह में, तो जैसे आप हटाओगे ना ऐसा लगता है भाई दिन हो गया, उजाला हो गया पूरा। तो इतना हाँ, ये ऐसा ब्लैक वाइजर लगाते ऐसा लगता है शाम है थोड़ा, और वैसा अगर हटा देंगे ना तो ऐसा पूरा ऐसा लगे हो गया, अरे बाप रे एकदम ही दिन हो गया। तो ये ना मतलब पूरा फिर आँख में फिर थोड़ा चुभता है थोड़ा सा, मतलब हार्डली 10-20 सेकेंड के लिए चुभता है, बाकी तो फिर नहीं चुभता है। अरे अरे भाई को ऐसा निकाला देखा, हाँ यार वो 2 ट्रक के बीच में से
भाई ये सब बहुत नॉर्मल है लोग के लिए। भाई साहब क्या झोला भर के लेके जा रहा है ये, मेरे को लगता है अरे ये लोग ऐसा पूरा, हाँ जाए ये लोग ऐसा पूरा बनाते रहेंगे ना ऐसा पूरा कवर अंजर। अरे भाई कैसा घुसा रहा यार, बाप रे बाप, पूरा ये लेन में है, पूरा ये लेन में है। आगे फोर व्हीलर है, आगे फोर व्हीलर है। हम लोग ने अभी लास्ट एक घंटे में 80 किलोमीटर कवर किया है और अभी ये 200 मीटर से यहाँ पे राइट है, वो राइट ले रहे हैं। सलूट मारा है देखो विनायक, अरे वाह चलो ये राइट मार या, 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 अरे भैया जी ऐसे ना करो थोड़ा देखो। श्री हनुमान सेवा समिति, ओके ए झुंझुनू 126 सलासर 40। हमारा अभी तक का लेवल अच्छा चल रहा है तो हम लोग वही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग को कुछ भी करके हम लोग पहुंचने की पूरी ट्राई करेंगे, आराम भी लेंगे अच्छे से, चलाएंगे भी अच्छे से। आज रास्ता एक्चुअली काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पहले दिन में रास्ता मिला था तो बॉडी उतनी सही नहीं थी, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा तबीयत ख़राब जैसा था। सेकेंड डे में ऐसा हो गया आराम मिला तो रास्ते का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, 150-200 किलोमीटर अंदर से था प्लस गर्मी, बट आज थोड़ा बॉडी यूज टू हो गया प्लस रास्ते भी अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से अभी आगे जो है ना मस्त नेशनल हाईवे भी कनेक्ट हो जाएगा तो वो एकदम और भी मस्त हो जाएगा हमारे लिए। तो भाई अभी तक आप लोगों को अगर लद्दाख सीरीज़ के एपिसोड अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको लद्दाख की आइटिनरी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो देख सकते हो किलोमीटर्स के साथ टाइम के साथ, उसके हिसाब से आप अपना लद्दाख का ट्रिप भी प्लान कर सकते हो आराम से। अभी हम लोग 10 किलोमीटर दूर है, आज की राइडिंग है हमारे ऑलमोस्ट अभी 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल हाँ 10 किलोमीटर के बाद एक लेफ़्ट लेना है, वो अभी कौन सा हाईवे है वो आइडिया नहीं है। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेट हाईवे पे है, सलासर राजस्थान वाला जो स्टेट हाईवे है उसके ऊपर। एंड अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर खींच लिया भाई, तो ऐसा अगर हो ना तो भाई मज़ा आ जाती है। 68 km/h की स्पीड हो रही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। बाकी आप लोग मेरे साथ ये राइड एंजॉय कर रहे हो या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में देना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में कुछ और कर सकूँ, कुछ अगर और अच्छा करना हो तो वीडियोज़ में। एक गन्ने का जूस ब्रेक फिलहाल, बस कितना किलोमीटर 110 किलोमीटर कवर कर लिए, 110-115। एक ब्रेक लिया 1.5 घंटे के बाद, बहुत मस्त लग रहा है अभी। बैगन मेरा ऑलरेडी 2 पीके हो गया, 2 पी लिया। मस्त एकदम ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लिया, आधा लीटर पानी पी लिया। भाई यहाँ पे ना दिन का मैं कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी जा रहा हूँ, वो एक एक लीटर वाली जो बॉटल होती ना भाई वो तो कितनी ही पी रहे कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या बोलते जय भाई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकले हैं वापस से, थोड़ा 10 मिनट सोचा था, 10 मिनट का 20 मिनट हो गया, बट इट्स ओके। वापस से ये सलासर वाला जो हाईवे है उस पर 9 किलोमीटर का रन दिखा रहा है, आगे फिर से एक हाईवे कनेक्ट होगा नेशनल हाईवे 58 जो थोड़ी ही देर में आएगा आई गेस, वो एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर टेंशन नहीं है। बाकी आप लोग ये पूरा देख रहे हो पूरा रेगिस्तान है, मतलब आजू बाजू कुछ भी नहीं है, एकदम पूरी सूखी मिट्टी, थोड़े बहुत झाड़, और ये नेशनल हाईवे 58 उसमें भी काम चल रहा है उस तरफ, तो ये 2 लेन में ट्रक्स एंड कार जा रही है। हाँ तो मतलब ये 2 लेन हो, 4 लेन नहीं चालू है, 2 लेन ही चालू है अभी, तो ऐसा कुछ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी कम है, बस खाली इतना है कि ओवरटेक कर रहे लोग। हाँ पूरा रेगिस्तान है, फुल रेगिस्तान वाला व्यू है फुल, अब पता नहीं रेगिस्तान है या नहीं। मैं ट्राई करता हूँ पहले, चलो फोटो खींचने के चक्कर में गाड़ी रेत में डाल दी है। च
चल रही है भाई। चलो 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 चलो, चल गई चल गई। तो दोस्तों ये देखो पानी उड़ रहा है और ये लोग गए नहाने, खुद को साफ भी कर रहे हैं। हाँ ये भी नहीं, जल्दी आ, ये घूम रहा है ना पानी। हाँ आया, पानी पानी के लिए रुक रहे। तो गाइस अपनी बाइक के टोटल 35,000 प्लस किलोमीटर हो गए हैं राइड पे। आज का हमारा कंप्लीट हुआ है 172 किलोमीटर, अभी 476 किलोमीटर और भी बचे हैं और इसी हाईवे पे हमको आगे चलते रहना है। टोटल 120 किलोमीटर है जब हमने चालू किया था, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कवर किया है हमने, तो 108 किलोमीटर और इसी हाईवे पे चलते जाना है। देखो अभी कोऑर्डिनेशन हम तीनों की जो बैठी है ना, हम लोग का सोचना क्या है कि मतलब मज़ा आ रही है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि मन मार के चल रहे या फिर टारगेट के हिसाब से चल रहे। हाँ पहुँचना है, अभी हम लोग को मन हुआ वो रेती में फ़ोटो खींचने का मेरे को, ठीक है, तो बेचारे जयद ने भी रोका, विनय ने भी रोका, तो ये चीज़ है भाई। मतलब कैसा है कि देखो आए हो, एंजॉय करो, अच्छे से मज़े करो, क्योंकि वापस वो टाइम वो दिन देखने मिले नहीं मिले क्या पता, तो बिंदास एंजॉय करो। चलो और ये भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है, देखो हर एक चीज़ का एंजॉयमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो मस्त पूरा रेगिस्तान वाला व्यू है, यहाँ पर मस्त एक रोड यार है बीच में से नेशनल हाईवे 52। अभी एक साइड में इसका काम चल रहा था, बाकी अभी ये सिर्फ 2 लेन ही है, बीच में इसको 4 लेन वाला काम चल रहा है ये देखो। तो यही अभी हम लोग इसी पे चल रहे हैं और मेरा एक ही मतलब कहने का मतलब है, लिव इन द मोमेंट, जो भी मोमेंट है उसको जितना हो सके उतना एंजॉय करो जितना हो सके। भाई ये भवंडर अगर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं हवा में, ये पूरा ऐसा गोल गोल, ये देखो ये देखो ऐसा भवंडर ना आते रास्ते में दिख रहे हम लोगों को। अभी ये दूसरा है तीसरा दिखा ना भाई लोग, एक पहले भी बीच में रास्ते में दिखा था। सो गाइज वन अपडेट फॉर यू, अगर आप नेशनल हाईवे 52 से आ रहे हो यहाँ से, मतलब आप अगर गोल्डन टेंपल या अमृतसर या पंजाब की तरफ जा रहे हो, नेशनल हाईवे 52 पे हो, तो पेट्रोल का रिस्क मत लेना। मतलब अभी हम लोग की बाइक ब्लिंक हो रही थी, हम लोग को पेट्रोल पम्प भी नहीं मिल रहा था। अभी हाईवे डिसकनेक्ट होने के बाद कुछ 5 किलोमीटर के, कम से कम हम लोग ने 20 से 25 किलोमीटर चलाया और अभी डिस्कनेक्ट होने के बाद अंदर आना पड़ रहा है हाईवे से हम लोग को पेट्रोल लेने के लिए। सो थोड़ा आप लोग ध्यान रखना पेट्रोल वगैरह, अगर आप यहाँ से होकर के जा रहे हो तो पेट्रोल वगैरह फ्यूल अप करवा लेना। पिछले 30 किलोमीटर से ब्लिंक कर रहा है साला और यहाँ पे हाईवे का काम चल रहा है, तो क्या होता है आप साइड में से निकल जा रहे हो, पेट्रोल पम्प उस तरफ ऐसा हो जा रहा है, तो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी फ़िलहाल आ गया देखो इंडियन पेट्रोल पम्प, इंडियन ऑयल का, तो यहाँ पे हम लोग फ्यूल अप करवा देंगे। अरे आ गया भाई आ गया, क्या हुआ? अरे यार ये भी बंद है, शिट। गूगल मैप तो घुमा रहा है, अभी दूसरा एक पेट्रोल पम्प डाला वो भी नहीं मिला, अभी एक किसी लोकल को पूछा है, प्लस जय भाई ने भी मैप लगाया है, देखते अभी कितना दूर पेट्रोल पम्प मिलता है। मुझे लगता है कि पेट्रोल ना एवापोरेट हो जा रहा है, माइलेज भी बहुत कम मिल रही है इतना गर्मी होने की वजह से, और उसके ऊपर से क्या हो रहा है पता है, मैप भी नहीं लगा सक रहे फुल, एकदम फ़ोन इतना हीट हो जा रहा है कि मतलब सीधा वार्निंग, कोई भी फ़ोन लगाओ वार्निंग दे ही देगा आपको, कोई भी फ़ोन लगाओ। मेरा फ़ोन तो 2 बार स्विच ऑफ भी हो गया। चलो हाँ मिल गया मिल गया, हाँ है ना पेट्रोल, हाँ हाँ मिला मिला, फुल कर दो फुल भाई। ऑटो ऑटो कट, ऑटो कट पे रखना, ऑटो कट पे। कैमरा चालू है ना भाई? हाँ चालू है, अभी चालू है भाई। वीडियो ना लग रही है तेरी? वीडियो बना रहे? हाँ बाहर है वीडियो में, 9.25 डालो और डालो। बस बस बस, कहाँ से? हम लोग मुंबई से सर। मुंबई से? हाँ वैसे तो फ्यूल अप हमने करवा लिया, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ मैं, आप लोग ये गलती मत करना ठीक है। अभी हमारा जो टोटल रूट बचा है कुछ 387 कितना है, 387 किलोमीटर बचा है गोल्डन टेंपल के लिए, और हम लोगों ने जितना बाइक भगा भगा कर रास्ता कवर किया था वो पूरा पानी हो गया पेट्रोल पम्प ढूंढने में। 8:30 बजे पहुँचने वाले थे, अभी वही टाइम 9:30 हो चुका है, तो ये चीज़ अभी पता नहीं थी हमें ऐसी भी हो सकती थी, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी तक खाना नहीं खाया, 2:30 बज गए। अभी हम लोग ने सोचा है कि ये जो हाईवे है स्ट्रेट 25 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद
हाईवे डिस्कनेक्ट होगा तो वहाँ कहाँ पर खाना वाना खाने रुक जाएंगे। बाय द वे अभी हम लोग राजस्थान क्रॉस करेंगे, हरियाणा में एंटर करेंगे और थोड़ा बहुत किलोमीटर हरियाणा में भी चलाएंगे हम लोग का। हमारा ऐसा है, हरियाणा भी छोटा, मतलब हरियाणा की बॉर्डर दो बॉर्डर आ रही है, एक एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए, दोनों भी हरियाणा से एग्जिट करके फिर पंजाब में घुसेंगे। वैसा है, हम लोग को भूख इतनी लगी थी, हम लोग सीधा हाईवे पकड़े, नेशनल हाईवे 52 पकड़े, ढूंढते ढूंढते हम लोग अभी यहाँ पर रुके। मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे ब्लॉगिंग का था, मैं इतनी भूख लगी थी, गाड़ी लगाई, राइडिंग जैकेट निकाला और ये देखो मस्त सब्जी मंगाई है, मटर पनीर। हम तीनों की एक एक रोटी हो चुकी है, छाछ भी है साथ में, मतलब दो रोटी खाएंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि यहाँ की रोटी थोड़ी हैवी होती है, तो दो रोटी खाएंगे, दो से तीन रोटी छाछ पिएंगे, वापस से निकलेंगे। अभी बज रहा है 3:30 तक वापस से निकलने का प्लान है, तो पटपट खाते और निकलते। चलो भाई, खाना वाना खा लिया है, खाना खाने के बाद अभी थोड़ा खींचने को जमेगा। यहाँ के लोकल भी पूछते भाई इतनी गर्मी में कैसे चला ले रहे हो भाई। अभी जस्ट हम लोग ने टेम्परेचर देखा था तो भाई टेम्परेचर बता रहा था 45 डिग्री। हम लोग को यकीन नहीं हो रहा कि 45 डिग्री में हम लोग बाइक चला रहे हैं। हाँ, वो भी 3:30 बजे 45, 12 बजे तो नहीं करके 45 प्लस ही होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से हिसार होकर के जाना है, हिसार बाईपास है एक्चुअली, फिर बूथ लादा करके एक जगह आएगी, उसके बाद मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा ही 5-10 किलोमीटर जाएंगे तो हरियाणा एंटर हो जाएंगे, देन सीधा सीधा जाके हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके फिर पंजाब में जाएंगे। पंजाब में भी अपने को जाना है डायरेक्टली आज गोल्डन टेम्पल, लेकिन उसके पहले आता है मोधा करके एक जगह है, वो आएगी, और उसके पहले आएगा बूथ लादा करके एक जगह है। बीच में भी एक दो प्लेस थी, मुझे अभी नाम याद नहीं है, बट नेशनल हाईवे 52 जो है अभी थोड़े कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद स्टेट हाईवेज मेरे ख्याल से आ जाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फिर स्पीड कम हो जाएगी। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इन हरियाणा। हरियाणा में अभी एंटर कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा में थोड़ा किलोमीटर चलाने के बाद वापस हम लोग आगे पंजाब में चले जाएंगे। मतलब हरियाणा में ज़्यादा नहीं होगा, अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास होगा। आगे एक बोर्ड आ रहा है, वो बोर्ड पड़ेगा तो हमें भी पता चलेगा एग्जैक्टली। बाकी आगे 28 किलोमीटर तो सेम नेशनल हाईवे 52 ही है, देखते हैं कहाँ तक का हाईवे दिखा रहा है। सीधा अंबाला, ओ अंबाला 238। हिसार को तो हमें बाईपास करके जाना है, तो इसी के ऊपर से जाना है, मतलब ग्रेट। नेशनल हाईवे 52 डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सर्विस लेन से पकड़ के हम लोग को अंदर लेफ्ट लेना है। अभी बाय द वे रास्ते में एक भाई लोग मिले थे, मतलब चलती गाड़ी को रुका दिया भाई, मैं उस टाइम पे गोप्रो चालू ही नहीं कर पाया, मैं 90 पे था, भाई लोग बोलते रहे भाई रुको रुको बात करने पे, थोड़ा डर गया। फिर मैंने इन लोग को भी बोला भाई ऐसा ऐसा है, तो हम लोग ने फिर रुकाया, उन लोग ने पूछा कि भाई हमको भी ऐसा जाना है, तो फिर इंस्टा आई डी वगैरह शेयर किया। तो ऐसा कभी कभार यार फर्स्ट टाइम होता है डर भी लगता है, मतलब मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि कोई गाड़ी में से बोल दिया भाई रुका रुका रुका, अरे भैया जी राइट का इंडिकेटर भी नहीं देते हैं, इतना बड़ा गाड़ी चलाते। अभी ये हाईवे ही है, 1.7 किलोमीटर के बाद हाईवे कनेक्ट करना है ऐसा है, ये अभी मेरे ख्याल से स्टेट हाईवे आ गया है। भाई साहब पता नहीं क्यों बारिश आ रही है, सही अबे हाँ सही में बारिश आ रही है क्या, छींटे आ रहे पूरे, और अपन स्पीड में तो और ज़्यादा आ रहे। अब जाके मुझे पंजाब वाली स्कॉर्पियो दिखी है फुल एकदम मॉडिफाइड। थैंक यू सर जी। अभी भाई मैं आपको बताऊँ, हम लोगों ने टोटल 100 मिनट में 115 किलोमीटर गाड़ी खींची है खाना खाने के बाद। है बोला भाई साहब आतंक लेफ्ट लेफ्ट मार, सर्विस रोड है 350 मीटर में सर्विस रोड है। हाईवे वैसे भी क्लोज है, डाइवर्जन है, और अब जाके हमें ये हाईवे डिस्कनेक्ट करना है। ये था नेशनल हाईवे 9,
इसके ऊपर चलाकर बहुत मज़ा आ गई। अभी एक यहाँ से राइट मारना है। अब ये कौन सा हाईवे है ये आइडिया नहीं है। फतेहाबाद और भीखी राइट लेना है, फतेहाबाद और भीखी वाला रोड लेना है हमें अभी, बस यही वाला देख आ गया ना। चलो चलो चलो, सोडा पी लेते हैं। राइट राइट वाले में रुका, राइट वाले में। आ हा हा, हमने भैया के पास सोडा ले लिया है, जाए वहाँ पे पी रहे हैं। ये पुत्रिया इधर है और हम इधर है। झकास है, मस्त एकदम, अच्छा है बाकी। थोड़ा तीखा नहीं लग रहा लेकिन देखो, थोड़ा सा जैने मसाला ज़्यादा। तू मसाला ज़्यादा बोला, क्या बोल रहा है? ट्रिपल ट्रिपल। अबे भाई मेरे को थोड़ा तीखा लग रहा है। हाँ हाँ, यही हो भाई, मेरे सब्सक्राइबर है। हाँ भाई, थैंक यू भाई, आ गया तू वीडियो में, थैंक यू। एक्टिव वाला तो जान दे बेटा। भाई साहब, ये रास्ता तो गूगल ने बराबर सजेस्ट किया है, लेकिन इस पर काम चल रहा है, तो इस पर कैसे कैसे जाना पड़ रहा है भैया। चलो, बाय द वे, अभी तक हम लोग ने 375 किलोमीटर्स कवर किए हैं और समय हो चुका है 5:30। बट हरियाणा की खूबसूरती देखो, क्या मस्त लग रही है। दोनों साइड पेड़ है और बीच में खड्डा है। आजू बाजू देख के मज़ा आ रहा है, देखो फुल एकदम वो गांव वाला, जो पंजाब और हरियाणा को बोलते हैं ना खेत, मेन अपना जो एग्रीकल्चर है वो हरियाणा और पंजाब पे डिपेंड करता है, तो वो मतलब ये मेन यहाँ पे देखने मिल रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है देख के। और भाई ऐसा मतलब मैंने इतना लगातार इतने खेत मैंने कहीं देखे नहीं है, इतना ज़्यादा। भाइयों, आप लोगों को सनसेट का ड्रोन शॉट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे, अभी हम लोगों ने टोटल 404 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं आज के दिन के। हाँ भाई, तुमको ओवरटेक करना बहुत ज़रूरी है। बस पासिंग लाइट दे दी इन्होंने, मतलब इनका ओवरटेक कंफर्म है, हम भले चाहे ना चाहे ऐसा रहता है इनका। देखो भाई सामने प्यारा एकदम, हाँ यार वही मैं देख रहा हूँ भाई, क्या प्यारा लग रहा है सन लेफ्ट साइड में देखोगे तो। हाँ, अरे हाँ यार, किंग विला। हाँ यार ये देखो क्या प्यारा विला है, बहुत मस्त है। सो अभी तक हमने 404 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा अराइविंग टाइम हो चुका है 11 बजे। लेट होने में तो हम माहिर है, 8:30 या 9 बजे का हम लोग ने 11 बजा दिया है। अब देखते हैं क्या हो पाता है। तब तक आप बने रहिए कैमरामैन दर्शन यादव के साथ, राइडर दर्शन यादव। आपको ये जो दिख रहा है, इसने पूरा का पूरा रास्ता घेर लिया है। घुस रहा हूँ लेफ्ट से भाई, रुक जा, डर भी लग रहा है। ये देखना स्प्लेंडर वाला है, रुक थोड़ा जगह दे दो भैया। माँ कसम भाई, ट्रक तो पूरा ही ढक गया इसमें। अरे ट्रैक्टर है वो भी, माँ कसम भाई साहब। देखो भाई, अपने हिंदुस्तान की ना बहुत अलग अलग खूबसूरती है हर एक स्टेट की। यहाँ पर देखो क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पे बाजू में सनसेट हो रहा है, यहाँ पर फुल एकदम आजू बाजू फुल झाड़ है, अपनी बाइक चल रही है मस्त 80-90 पे, क्या मज़ा आ रहा है भाई ये रास्ते पे चलाने के लिए। और अभी ना गर्मी भी नहीं लग रही वैसे, थोड़ा प्लेजेंट वेदर है, मतलब ठंडी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, वैसे अच्छा खासा चला सकते। तो यार ट्रैवल करने जब निकलोगे ना तो आपको थोड़ा ठीक है दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन सभी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो हम खुद महसूस करते वो एक डिफरेंट लेवल होता है, और ये यादें आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। बाय द वे, हम लोग पंजाब में आ गए हैं और असी पंजाबी आ गए जी। बस मुझे इतना ही पंजाबी आता है और कुछ नहीं आता है, इतना बोला उतना ही। तो मैंने ना भाई एक बात नोटिस करी है, अभी ना आप जैसे देख रहे हो टाइम 7 बज गया है और सनसेट ना होते होते 7:30 के ऊपर टाइम जाएगा। और यहीं मैं जब सर्दियों के टाइम में यूपी में गया था, तो यूपी में जो है सनसेट, मतलब सनसेट हो जा रहा था 5:30 बजे सनसेट हो जा रहा था,
मतलब मौसम के हिसाब से कितनी सारी चीजें बदलती है। अरे माँ कसम भाई, क्रेटा देखा भाई? अबे भाई मैं ये देख रहा था क्रेटा वाला, मेरे को फुल एकदम टच कर, मतलब टच ऑलमोस्ट। तो देख रहे हो भाइयों लाइव लाइव, मतलब ये रिकॉर्ड हो गया। हम लोग यहाँ देख रहे थे और हम लोग अपने लेन में चल रहे, ऐसा भी नहीं कि बाहर से हम लोग चल रहे। उतने में वो क्रेटा वाला फुल ओवरटेक, देख रहे हो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लोग ना, यहाँ के क्या, आप कोई भी स्टेट में चले जाओ वो लोग को ना अपने हिसाब से ही चलाना रहता है। इसलिए थोड़ा अपना सेफ्टी देख करके चलो, और कुछ नहीं, अच्छे से चलाओ, पूरे गेयर्स पहनो, सब कुछ अपने आप को सेफ रखो। ये वाला जो हाईवे है ना, हाईवे 148 भी मस्ट रिकमेंडेड अगर आप यहाँ से जा रहे हो गोल्डन टेंपल या अमृतसर की तरफ या पंजाब की तरफ, तो भाई यहाँ से ज़रूर आना। मस्त आपको व्यूज़ मिलेंगे खेतों के, हम लोग तो सनसेट के वक्त आए तो सनसेट का भी मस्त व्यू मिला। टू लेन रोड है, बट रोड स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोड ख़राब है। स्टार्टिंग में 15-20 किलोमीटर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, खड्डे वड्डे है, बट आपको ऐसा कोई आगे अच्छे रोड मिलेंगे। हम लोग ने अभी अमृतसर के लिए एक लेफ्ट लिया है, मतलब हाईवे नेशनल हाईवे हम लोग ने 703 कनेक्ट किया है। इस पर अभी 45 किलोमीटर चलाना है, और भी 3 घंटे का रास्ता बाकी है। बाय द वे पंजाब में एंट्री होने के बाद ना भाई, बहुत सारे अभी ट्रक्स दिखे भाई, और यहाँ पे हर एक गाड़ी पे आपको स्पीकर दिखेगा भाई। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें मस्त एकदम अपने एंजॉयमेंट में फुल गाना बजा के लोग चल रहे, लोग मतलब बाकी किसी से इनको कोई लेना देना ही नहीं है अपना। और बाय द वे ये जो हाईवे है, ये हाईवे एकदम मस्त है, अभी हम लोग ने जस्ट लिया है। बट ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये 703 एकदम एंड तक हम लोग को लेके जा रहा है। ये देखो, ये एक ट्रैक्टर ही दिख रहा है मेरे को, ये ट्रैक्टर आप देखो भाई। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, इसको ज़रा देखना, फुल लाइटिंग वाइटिंग स्पीकर के साथ, देखा ये ट्रैक्टर को भाई, लोग फुल एकदम मर्सिडीज जैसा सजाते हैं। और इनका ट्रैक्टर और स्प्लेंडर को तो भाई अलग ही मॉडिफाई करते हैं, लेकिन अभी रात का टाइम है, स्प्लेंडर दिखी नहीं दिखी पता नहीं। हम लोग ने जस्ट अभी बरनाला को बाईपास किया है, और मोगा जो है, मतलब बीच में मोगा एक पड़ेगा, मोगा के बाद अपना जो है अमृतसर, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी हमारे जो किलोमीटर्स बचे हैं अराउंड 150 के आसपास बचे हैं, बट हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अमृतसर, आज हमको पहुँचना है कुछ भी करके, तो आज हम लोग राइड कंटिन्यू करेंगे रात के 11:30 बजे या 12 बजे। बट देखो हम लोग इसलिए रात को अभी इतना राइड कंटिन्यू करें क्योंकि हम लोग कम्फर्टेबल है, हमारी बॉडी उतना रिस्पॉन्ड कर रही है, फ्रेश है। क्योंकि अगर मैं आपको राइडिंग टाइम दिखाऊँ हम लोग का, तो ये एक बार देखो राइडिंग टाइम आपको दिख रहा है 7 hours 41 minutes। हम लोग भले ही सुबह 9 बजे के निकले हैं, लेकिन हम लोग का ब्रेक वेक टाइम पास वाइम पास सब मिला करके अगर देखे तो अभी बज रहे 8:30। आप देखो टाइम अगर काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 11:30 घंटा, और ब्रेक हम लोग ने ले लिया है कम से कम 3 घंटे का। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी फुल रेस्ट मूड में है, मैं फुल कंटेंट बनाते हुए चल रहा हूँ, पोस्ट करते हुए चल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है आपके हिसाब से भी। तो आप लोग अपने हिसाब से चलाना, रात को तो मैं वैसे भी मना ही करूँगा आप लोगों को चलाने के लिए, बट हम लोग कैसा 3 लोग प्रॉपरली एक रिदम में, हम लोग को एक दूसरे का पैटर्न पता है कि हम लोग कैसे चलेंगे कैसे मूव करेंगे, तो इसलिए हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे। बट फिर भी मैं आपको मना करूँगा कि रात को आप राइड मत करना, जितना हो सके सुबह निकलो, जो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे फिलहाल, बट हाँ वो भी करना ही पड़ेगा कल से, बट वो कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। हाँ दोपहर को जैसा होता वैसा हम लोग को आज नहीं करना है, तो अभी एक कांडी दो कांडी कर रही है, इसलिए हम लोग फ्यूल करवा दे रहे हैं। अभी फ्यूल कर दो अंकल जी। भाई ये ट्रैक्टर देख भाई, भाई साहब गाड़ी से भी ज़्यादा अच्छा उसमें स्पीकर्स लगे, कितना 6.91 ही आया क्या? गाइस मुझे आप लोगों से ना एक बात शेयर करनी है। हम लोग जब लेह लद्दाख का हमारा प्लान बना रहे थे ना, तो इसमें हम लोगों ने जो गलती करी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप लोग मत करना। सबसे पहली बात, हम लोगों ने जो मैप का रूट रखा है ना, हम लोगों ने अपने हिसाब से डेस्टिनेशन चूज़ करी है। दूसरी बात कि हम लोगों की सबसे पहली गलती कि अगर समझो मैप में 12 घंटा बता रहा है ना, तो हम लोग ने उसको 13 घंटा पकड़ लिया ज़्यादा से ज़्यादा। बस अब हमारा जो ब्रेक हो रहा है ना दिन का, कम से कम 3 घंटे जितना ब्रेक हो रहा है, खाने में 1 घंटा, बाकी हम लोग हर 100 किलोमीटर में रुक रहे, कहीं फ्यूल भराने रुक रहे,
पानी के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना भाई, आप 50 60 70 80 किलोमीटर में रुक ही जाओगे। मैं एक एक लीटर की बॉटल दिन में कम से कम मैं 7-8 बॉटल पानी पी जा रहा हूँ। तो समझ रहे हो, अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो ना गर्मी में भाई, तो इतना इतनी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें आप ऐड करना। एटलीस्ट 3 घंटे का ब्रेक आप ऐड करना, और दिन का 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर का टारगेट मत रखो, मैं आपको बोलूँगा आप 500 किलोमीटर का टारगेट रखो, बहुत हो जाएगा। 500 करके आओ चलेगा, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, थोड़ा सुबह में लेट भी उठ सकते हो और शाम को पहुंच भी जाओगे टाइम पे। बट अगर आप 600 किलोमीटर लेके चल रहे हो ना भाई, और आपके पास 200cc या फिर 400cc की बाइक है, क्योंकि आप उसको भी 400cc को भी चला चला के 120 चलाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा और कवर हो जाएगा, लेकिन सेम इम्प्लीमेंट आप पर भी होगा। और दूसरी बात कि आप जिसके भी साथ राइड करोगे ना, कोऑर्डिनेशन समझने में ही आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिन चले जाएगा कि ये बंदे को क्या प्रॉब्लम होती है, इसको क्या पसंद है, कैसे राइड करता है, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। और दूसरी बात, आप मेन हाईवेज ही फॉलो करना ज़्यादातर जितना हो सके, और अकेला तो राइड करना ही मत, एटलीस्ट 2 या 3 लोग के साथ में ही राइड करना। सो गाइस, फाइनली हम लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुँचने वाले हैं, 5 किलोमीटर सिर्फ बाकी है। एक्चुअली आज हम तीनों ने यह ठान लिया था कि आज जो है अमृतसर पहुँचेंगे और उसके बाद ही खाना खाएंगे, बट उसके बीच में हम लोग ने इतना ब्रेक भी ले लिया, आपको पता ही है ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का हम लोग ने ब्रेक लिया, और हम लोग का राइडिंग टाइम देखेंगे तो टोटल अभी मिला के 10 घंटा हो जाएगा, और टोटल किलोमीटर हो जाएगा 630, जो कि हमारे अभी 3 दिन में हाईएस्ट किलोमीटर्स है। बट हाँ, हम लोगों ने सोचा था यहाँ पर आकर के खाएंगे, तो बस अब यहीं पर आकर के खा रहे। अरे जलंधर पठानकोट वगैरह भी सब अभी यहाँ से नज़दीक ही है, जो है हमें वहीं से होके जाना है आगे राइड में। 2 hours later अभी ऑलमोस्ट रात के 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, लेकिन अभी हम लोग निकले हैं गोल्डन टेंपल का दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पे गुरुद्वारे का जो निवास है वहीं पर रुके हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनका नाम, बाबा दीप सिंह जी निवास। यहाँ पर हमें 500 rupees में AC रूम मिल गया, मस्त वो ले लिया है हम लोग ने। और आपको अगर समझना है तो यहाँ पे सामने गुरुद्वारा है, तो वो समझ लेना। अभी फ़िलहाल हम लोग गोल्डन टेंपल के निकल रहे हैं, ये भाई दोनों रिक्शा में बैठ गए, अपन भी बैठते हैं। चलो अंकल जी, काट और के यार पकड़ लो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक। तो अभी फ़िलहाल रात को 2 बजे हम लोग गोल्डन टेंपल का दर्शन करने आएंगे, गोल्डन टेंपल के दर्शन करेंगे, फिर आएंगे गुरुद्वारे में खाना खाएंगे, फिर हमारा दिन खत्म होगा। सोच रहे हो क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। अमृत सरोवर में बसे इस सुवर्ण मंदिर को गुरु रामदास जी ने बनवाया था। इस सुवर्ण मंदिर की चमक रात के समय कुछ और ही थी, ऐसा समझो कि पूरे दिन की थकान इन्हें देखकर हम भूल ही गए। फिर अंदर जाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए, और मंदिर के परिसर में ही बैठकर हमने अपना दिन समाप्त किया।